गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी देख सकते हो हम आपको एक नॉलेज वाली बात बताते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में क्या होता है, जिनके पास बावड़ी है, ये मतलब कुआं हमारे इधर बोलते हैं, देखो, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ के अभी एक हमारे भाई हैं, ये बताएंगे। ये देखो, ये बावड़ी खोदने वाला है, मतलब कुआं खोदने वाला है, इसी से खोदते हैं। और जिनके पास खेती होता है ना, चलो ये भाई से, हेलो भाई, क्या हाल है? कुछ नहीं। ये बताओ ये बावड़ी मतलब कैसे, कितना खर्चा आता, क्यों खोदते हैं, और ना खोदे तो क्या होगा? मतलब ना खोदे तो खेत नहीं जुतता ना, खेत मतलब तो कमाई नहीं होती। हाँ, और इस बावड़ी से ज्यादा कमाई होती है। बावड़ी से मतलब हाँ, कैसे पानी ज्यादा निकलता ना, ज्यादा निकलता। अब हाँ, ना खोदे तो पानी नहीं होता क्या? बोले तो मतलब अगर इसको ना खोदे तो ऐसा मतलब बोर करके चलाए, बोर में इतना पानी नहीं होता ना, सूख जाता वो। वो धूप में जब उनाड़ा था ना, हाँ, तब सूख जाता वो। कौन से महीने में सूखता वो? जनवरी में। हाँ, जनवरी में ही सूख जाता। फिर मार्च अप्रैल मई जून में तो एकदम से नहीं रहता। हाँ, जून में उसको पानी आता, जून में जब बारिश के टाइम होता है। और बावड़ी जिनके पास रहा तो वो 12 महीने कुछ भी लगा सकते, कोई भी खेती कर सकते। और अगर बावड़ी नहीं रहा तो क्या खेती करते? कुछ भी, कपास लगा दे, बस कपास और मक्का, बस ये दो। और बावड़ी रहा तो कोई भी ऐसा। पर ये बावड़ी को खर्चा भी बहुत कम, छह सात लाख इतना खर्चा आता। फिर 6-7 लाख, देखो इतना खर्चा करके फिर बावड़ी खोदा जाता है, फिर खेती करते हैं इससे, क्योंकि पानी की कमी होती है यहाँ महाराष्ट्र में। और अपने उधर पानी की कमी नहीं होती है, कितना भी कुछ भी लगा लो, ये तो है। लेकिन इधर कपास वगैरह ये सब लगाते, इधर की खेती जो होती है वो कुछ दिलचस्पी मतलब ज़्यादा ही लेते हैं खेती करने में। क्यों? सही, बहुत ज़्यादा ना। हाँ, सही है। तो अभी देखो ये खोदने वाला है, ये घूमता क्या ये? हाँ, फिर ऐसे जिधर मर्जी हो। अच्छा, ये माटी इधर डालने की तो इधर जाएगा। हाँ, इधर से ऐसे नीचे। अच्छा, ऐसा क्या? मैं आपको दिखाता हूँ कि बावड़ी कितना गहरा होता है। यहाँ तो हम पास भी जा रहे हैं ना, तो मुझे डर लग रहा है। ये देखो, इससे भी अभी ये पानी सूख जाएगा ना, तो इसके बाद फिर इसको खोदा जाएगा। देखो कितना गहरा है। ओह, मत चलाओ, पीछे से मुझे धक्का विक्का लग गया ना, तो फिर मैं बावड़ी में जाऊंगा, कभी नहीं निकलूंगा यार मैं। निकल जाएंगे हम, मतलब उसमें डूब नहीं जाएंगे हम? तब मैं नीचे आ जाऊंगा ना। हाँ, मतलब उसमें आदमी चले जाते, तैरना आता हो तो चले जाते वो, कोई दिक्कत नहीं, चलो। सो गाइस, कल मैंने आपको दिखाया था कि बावड़ी यहाँ पे कैसे खोदी जाती है, और आज है दूसरा दिन, और आज भी यहाँ महाराष्ट्र में देखो बैलों से खेती की जाती है, जैसा कि ये सब देख सकते हो। यहाँ पे बैल ही अभी ये खेती करते हैं, कपास वगैरह यहाँ पे लगाया जाता है। ज़्यादातर यहाँ पे बारिश की कमी के वजह से यहाँ पे कपास लगाया जाता है और बैलों से खेती करवाई जाती है। ये देखो अभी बैल, देखो ये खेती कर रहे हैं। ये हमारे अच्छे भैया हैं, देखो, और इनके बीच बीच से ये चलते हैं। आपको दिखा दें कैसे, देखो इनका निशाना होता है कि ये देखो साइड में चलते हैं, और बीच में ऐसा जो खरपतवार होता है उनको ये ऐसे मतलब कर रहे हैं कि कट जाए। देखो कटता जा रहा है ऐसे ही। देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे खर है ना, वो सब गायब हो जाते हैं, और फिर ये अच्छा ग्रोथ करता है पौधा, ये जो कपास है। है ना अच्छे भाई? हाँ। कैसा लग रहा है, जम रहा क्या? एकदम तगड़ा लगता है, एकदम तगड़ा। हम भी ऐसा कर सकते क्या? हाँ, क्यों नहीं करते यार। रुकेंगे क्या हमसे थोड़ा सा एक बार ट्राई करने के लिए दो ना, हम भी, मजा आता है। तो अभी देखो कैसे बैलों की जोड़ियाँ चल रही हैं, ये देखो। वाह, अक्षय भाई, करूँ, आ जाऊँ मैं? रुक जाओ, चलो। हाँ, आ रहे हैं। अगर रोकने का तो हो बोल के रोकने का, इसको खींचने का, रस्सी खींचने का और हो बोल के रोकने का। हाँ, यही ना। हाँ, हाँ, चलो ठीक है, मैं करता हूँ, चलो। हाँ, वो कटने ना पाए ना पौधा। हाँ, पकड़ो। हाँ, पहले और ले थोड़ा। हाँ, इधर। हाँ, ऐसा दही बोल दो उसको।
इधर इसको आगे आकर हो चल साल साल इधर इधर थोड़ा इधर हाँ ऐसा चल पेड़ देख क्या यार मैं करता तो ये पौधा टूट जाता, इस वजह से यार नुकसान हो जाएगा। ये बहुत महंगी होती है कपास की भाई खेती, यहाँ पे देख सकते हो। जाओ जाओ चलो जाओ। इसको सभी लोग नहीं कर सकते, अभी सीखना पड़ेगा। कितने दिनों से ये कर रहे हो? ये 4 साल से। 4 साल से? हाँ। तो फिर मैं एक दिन में थोड़ी ना कर सकता है ना। हाँ, वही बात। कट जाता ये सब पौधा होता, नुकसान हो जाता। और देखो इनको जम रहा है। हाँ। 4 साल से ये बैलों की खेती कर रहे हैं। अच्छा ये जो फसल ये है कब तक ये तैयार हो जाती है? ये 6 महीने लगती है। 6 महीने? फिर ये कैसे बिकता है? मतलब 4000 क्विंटल से इसको कपास आता है। 4000 क्विंटल? हाँ। इसको बेचते, उसको निकालना पड़ता। हाँ। इसका जो रुई है। हाँ। वो निकाल के इकट्ठा कर दे। हाँ। तो पूरा ऐसे घर भर जाता होगा। हाँ हाँ, फिर घर भर। तो फिर वो कौन लेके जाता है? वो यहाँ व्यापारी आते हैं घर पे लेने। मार्केट में खुद लेके नहीं जाते? नहीं, व्यापारी लेके आते हैं। तब फिर उसको बेचते। ज्यादा बेनिफिट किस में है आपके इधर फसल में? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मतलब बेनिफिट कौन से मतलब पौधे में है? वो या भी है, अदरक लगा हुई है। अदरक? हाँ, अदरक। ये वाला नहीं, कपास। कपास और अदरक, सबसे पहले अदरक, उसके बाद कपास। हाँ। दोनों में मतलब ज्यादा मतलब कौन सा इसमें वो होता है कि ज्यादा देखभाल कौन सा करना पड़ता है? वो अदरक वाला। अदरक वाला उसमें ज्यादा हार्ड वर्क है, इसमें उतना नहीं है। उसमें तो ऐसे पाइप वाइप लगाना पड़ता है ना, सब घर लगा है। हाँ। क्या मतलब ये हो जाएगा तैयार, फिर आप इसमें क्या उगाने वाले हो? इसमें बाद में मक्का लगाएंगे। मक्का? हाँ। जो हमारे उत्तर प्रदेश में जोनरी वगैरह बोलते हैं, जोनरी। हाँ। वही ना। हाँ। और उसको फिर कैसे उसको बेचते हो? मक्का को मार्केट ले जाना पड़ता। खुद ही मार्केट? हाँ, खुद ही मार्केट। तो अगर ना सेल कर पाए तो क्या होता है? नहीं, फिर वो स्टॉक भी रहा तो फिर बाद में आप बिका सकते हो। अच्छा, बाद में सुखा के? हाँ। सुखा करके तो भी बेच देते हैं, ऐसे भी बेच हाँ, देते। अगर ना लेके गए तो क्या होगा फिर? तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है। और थोड़ा बहुत अगर ना लेके गए, नहीं बिकेगा तो पूरा नहीं नुकसान होगा? नहीं, बोले तो फिर वो बाद में कम भाव से बिकता है ना। अच्छा, बाद में कम, जो बेनिफिट होना चाहिए वो होता है। अच्छा, स्टार्टिंग में होता जब वो गीला गीला रहता, मतलब सूखा ना हो, उसके पहले जब निकलता तभी ना। चलो ठीक है भाई, इतना नॉलेज देने के लिए थैंक यू। और अक्षय भैया देखो अपना ये भाई कर रहे हैं, अभी इनको बहुत टाइम लगेगा इतना करना। कितना एकड़ खेती है ये? 1.5 एकड़। 1.5 एकड़? हाँ। एक बीघा को कितना बोलते हैं? कितना एकड़? 20 गुंठे बोले तो आधे एकड़ को बीघा बोलते। अच्छा, आधे एकड़ को बीघा। ये गया क्या फसल? नहीं, बाकी बच गया, बच गया। देखो ये एक भी फसल टूटने नहीं पाता। और साइड साइड से देखो ये करते हैं, साइड में कपास होता है देखो। ये बैल से खेती क्यों आखिर कर रहे हैं? ये चाहे तो ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं। यही सवाल आपके मन में होगा ना कि इस समय इस जमाने में बैल से कौन करता है भाई, ट्रैक्टर से भी कर लो। लेकिन देखो इसमें ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा, क्योंकि बीच में अगर चलता इसमें ट्रैक्टर चलता ना तो ये जो पौधे हैं ये टूट जाएंगे। और इनको जब ये कपास लगाया जाता है तो स्टार्टिंग से ये मतलब ध्यान दिया जाता है कि देखो देखो कि ये मतलब ऐसे कितने 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 फुट पे है ये? 4 फुट पे। 4 फुट पे? हाँ। 4 फुट पे ये लगाए जाते हैं ताकि बीच से ये बैल चलें दोनों तरफ से, और ये और मतलब साइड साइड से ये बैल चलें और बीच में ये देखो जैसा ये चल रहा है, हर है ये ऐसा खर तोड़ने वाला, ये चले तो पौधा देखो टूटता नहीं है। यही आप सोचते होंगे कि टूट जाता होगा बैल चलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये तो मारने के लिए जा रहा है, देखो साइड साइड से ये चल रहे हैं, ऐसा ही नाली उधर बनाया गया है तो नाली नाली से ये चलते हैं और बीच से हल होता है जिससे जोता जाता है। तो ये बहुत ही इजीली मतलब ये कर लेते हैं अपना काम। एंड होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा ये महाराष्ट्र में खेती कैसे करते हैं। और देख के बहुत अच्छा लगा हो आपको, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। एंड चैनल पे नहीं हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़ोर से कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड्स को ये शेयर कर सकते हो वीडियो। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।